कृष्ण से ज्यादा प्रेम कौन करता है? तो चंद्रावली कहती थी मैं करती हूं, राधा का भाव था मैं करती हूं। हमारी राधा जू की कई सखियां थी, ललिता विशाखा इत्यादि, राधा जू की कई सखियां थी, 8 सखियां मानी जाती हैं हमारी, सीता जी की 8 सखियां मानी जाती हैं पुष्पवाटिका में। तरह तरह की वहां पर लीलाएं हैं। ओ उधर बरसाना में चल रही, तो बरसाना चल रही है, इधर मथुरा, अब गोकुल। गोकुल में पूतना आती है, देखा यहां पर बड़ी भीड़ है, कोई उत्सव मनाया जा रहा है। पूतना ने विचार किया आज यहीं से शुरू करें। एक पेड़ के पीछे गई जंगल में छुप करके, है राक्षसी दुष्ट लेकिन सबसे बढ़िया सुंदर रूप बनाया अपना। हे मांगना कंचन वर्ण की, सोने के रंग वाली सुंदर सी बन गई, मायावी नहीं है, जादूगरनी है। सुंदर बन करके बढ़िया वस्त्र पहन लिया, बढ़िया मुकुट धारण कर लिया, गले में माला वाला पहन लिया, हाथ में कमल का फूल ले लिया और वहां से चल पड़ती है आनंद में। गोकुल में जब पहुंचती है, देवर्षि नारद आ गए थे दर्शन करने के लिए, भगवान शिव जी आ गए थे दर्शन करने के लिए, सब दर्शन। एक गोकुल वाले बड़े चौंक रहे हैं, जब से लाला आया है तब से कोई ना कोई आता है, कोई ना कोई आता है। ये जब वहां पहुंचती है दरवाजे पर, तो किसी ने इससे पूछा नहीं तुम कौन हो, किसी ने कोई आईडी कार्ड नहीं मांगा है, कोई नहीं पूछा है कौन हो, किससे, किस माता पिता से आई हो। बस सबने देखते ही कहा अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी आई हैं, आज अपने लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। देवी इधर से, देवी इधर से, देवी इधर से रास्ता बता दिया और पूतना सीधे पहुंच जाती है हमारी यशोदा मैया के दरवाजे पर, सीधे पहुंच जाती है। यशोदा मैया ने देखा, रोहिणी मैया ने देखा, जल्दी से स्वागत करके आई, ये अपने लाला को आशीर्वाद देने आई होंगी। पूतना को लेके आई उस कमरे में जहां पर हमारे भगवान का पालना रखा हुआ है, वहीं बैठने के लिए कुछ रख दिया, उस पर बैठ गई पूतना। अब बाहर इतनी भीड़ है, लोग हैं, छठी का उत्सव मनाया जा रहा है, बड़े आनंद का समय है, कहीं कोई कुछ गायन हो रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई नेग मान रहा है, कोई नेवछावर मांग रहा है। रोहिणी मैया और यशोदा जी खड़ी, पूतना बैठी हुई है, रोहिणी और यशोदा बार बार पूतना के उस कपड़े को देखें, गहने को देखें, पता कितना सुंदर है, कहाँ से पहन के आई है, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। बस भगवान रोने लगते हैं। जब भगवान रोने लगे तो जल्दी से यशोदा मैया ने लाला को गोद में ले लिया, तो लाला को गोद में लेकर के और चुप हो जा, लेकिन नजर वहीं पर है। इसका नेकलेस देखो कितना बढ़िया है, इसका ये देखो इतना अच्छा है, हा? दोनों भगवान चुप नहीं होते। जब भगवान चुप नहीं हुए तब पूतना पहली बार पूछती है, यशोदा लगता है तुम्हारा पहला बच्चा है, पहला बच्चा है। यशोदा मैया का दिल गदगद, कितनी मीठी भाषा है, अरे देवी आप ही के आशीर्वाद से हुआ है, आप ही की कृपा से हुआ है लाला। पूतनन का छाला मुझको दे, मैं चुप करा दूं। भगवान को यशोदा मैया ने पूतना की गोद में दे दिया, जैसे पूतना की गोद में दिया भगवान तो चुप हो गए। यहाँ पर एक अलंकार है, उसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार, और इस पर बहुत चिंतन किया गया है, क्यों भगवान चुप हो गए। तो ऐसा एक मान लिया गया कि भगवान ने विचार किया कि कोई बच्चा अगर डरता है, उसको भय लगता है, तो माँ को पुकारता है, माँ बचाओ, मैया बचा, और जब मेरी मैया ही राक्षसी की गोद में दे दे रही तो मैं पुकारूं किससे, रोने का कोई फायदा फिर नहीं। भगवान चुप, जब भगवान चुप हो गए, रोहिणी जी ने देखा साक्षात लक्ष्मी है, देखा गोद में जाते ही चुप हो गया, हाँ सबका भाव अलग अलग। तब पूतना ने कहा अरे तुम्हारे यहाँ बड़ी भीड़ है, क्या बात है। रोहिणी मैया ने कहा आज लाला का छठी मना रहे हैं, उत्सव है। पूतना कहती जाओ जाओ सबका देखभाल करो, हम लाला को तुम्हारे संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। यशोदा मैया रोहिणी दोनों
हाथ जोड़ के प्रणाम करती हैं, मेरे लाला को आशीर्वाद दे देना, और कह करके कमरे से बाहर निकल जाती हैं। लोग बहुत हैं, सबकी देखभाल करनी है, किसको बैठने का स्थान मिला नहीं मिला, किसको भोजन मिला नहीं मिला, भगवान को छोड़ के संभालने गई किसको, दुनिया को, संसार को। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।